राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं सन्नू फिर आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे शाम के 5 बजे से हमारे देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से गाँव रहेगा उसे। तो गाइज, मैं जा रही हूँ छप्पर के लिए। तो मैंने मतलब कि टाइम जैसा नहीं हो रहा आजकल ब्लॉग बनाने का, और डेली वही रूटीन हो रहा हमारा, सुबह यहाँ सुबह वहाँ शाम वहाँ, घास घूस ऐसा ही हो रहा है। तो ब्लॉग नहीं बनाया मैंने कल परसों से यानी कि। तो सुबह तो बहुत ही तेज बारिश लगी थी, फिर दिन में ठीक हो गई थी। अभी थोड़ी देर ऐसे ही टप टप कर रहा था और अभी ठीक ठाक है मौसम, तो मतलब कि आ भी सकती है थोड़ी देर में। तो दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, अभी रास्ते रास्ते कर रही हूँ मैं ब्लॉग स्टार्ट। तो क्योंकि घर पे ना इधर उधर से जाके ना कसम से ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा सो जाना था। तो नींद भी इतनी भयंकर आ रही ना आजकल, क्योंकि बारिश की वजह से जो हम थोड़ा बहुत भी भीग रहे हैं, तो उस वजह से ऐसी नींद आ रही कि क्या बताएं। तो अभी जा रही हूँ मैं वहाँ भी। आज उतना ज़्यादा काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी हो ही जाता है छप्पर का। तो गाइस, आधे रास्ते पे मैं पहुंच चुकी हूँ और अभी यहाँ से अब थोड़ा ही बचा है। तो कुछ बोलना भी नहीं आ रहा मुझे तो ना, पता क्यों, क्योंकि आजकल टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा। और मतलब कि एक दो हफ्ते से ऐसी टेंशन चल रही है ना कि ना तो किसी को बता सकते हैं ना ही दिल में रख सकते हैं, तो वैसी वाली बात हो गई है। तो टेंशन हो रही बहुत ज़्यादा, टाइम आने पे शेयर करूंगी गाइस आप लोगों से। तो अभी क्योंकि सही टाइम नहीं है बोलने का अपने टेंशन को, तो बताऊंगी आपको भी। अभी जा रही हूँ मैं जंगलों के बीचों बीच। देखो, आपको पता ही होगा रास्ता, मेरी वीडियो में आप रोज देखते हैं कैसा भयानक है ना, ऊपर से पेड़ नीचे से पेड़, बीच बीच ना देखो गली वाला रास्ता, ऐसा रास्ता है बस बीचों बीच। ऊपर नीचे देखो झीड़ ही झीड़ हो रखी ना, पूरा रास्ता ऐसा ही है। कहीं कहीं पर है थोड़ा खुला, बाकी तो सुबह में होता है यहाँ ज़्यादा भाई, अंधेरा अंधेरा टाइप का हो रखा रहता क्योंकि एकदम से ऐसा है ना। तो ये देखो, आपको भी दिखा रही हूँ मैं आज अपने सिलकोटी का रास्ता। तो पूरा ये है, ये देखो, तो ऐसी उमस टाइप हो रही ना कसम से, बहुत ज्यादा उमस हो रही। देखो पसीने निकल रहे, वैसे मुझे पसीना उतना आता नहीं, पर फिर भी उमस होती तो एकदम मेरे नाक में आ जाती है पसीना। लोग बोलते हैं जिसके नाक में आता है उसको गुस्सा आता, लेकिन मुझे ना एकदम से आएगा ना गुस्सा तो भयंकर वाला आता, बाबा क्या बताऊं। और नहीं आएगा तो बस ठीक है, वैसे आना भी नहीं चाहिए। तो मिलती हूँ आपको छप्पर से आते टाइम। आज मुझे जाना है सिलकोटी के रास्ते, मतलब कि गांव वाले रास्ते, कुछ खास है इसलिए जा रही हूँ मैं, दिखाऊंगी आप लोगों को भी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें गाइस। तो गाइस, छप्पर पे भी मैं पहुँच चुकी हूँ और ये हमारे भैंस अभी घास वगैरह खा रहे हैं। तो मैंने आग जला के पानी चूल्हे में चढ़ा दिया है, चाय तो तभी बनाएंगे जब दूध निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है अभी छप्पर पे, और ये धुआं इसके लिए लगा रखा है जिससे कि इन भैंसों को मच्छर ना काटे, तो इसलिए धुआं लगाते हैं। आजकल वैसे भी चौमासे में बहुत सारे मच्छर मक्खियां हो रखी हैं, तो धुआं लगाना ज़रूरी हो जाता है, चाहे घर में हो या गौशाला पे। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। जैसा मैंने बोला था कि बारिश आने की संभावना है, तो बारिश लग चुकी है। वो देखो,
इतनी सारी आ रही है, इधर को भी आने वाली है और मैं फटाफट जा रही हूँ। जब मैं फटाफट चलती हूँ ना तो मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है एक साइड को, तो हो रहा है अभी। और जो इम्पोर्टेंट काम के लिए मैं इस रास्ते से आई थी तो मैं जा रही हूँ। हमारे यहाँ कद्दू की बेल हो रखी है, तो कद्दू हो रखा था उस पर एक, मैंने कल देखा था तो कल नहीं लाए मैं, सासू जी ने बोला कि ला देना, तो अभी जा रही हूँ मैं, देखते हैं वहीं है या कोई लेके चला गया, तो दिखाती हूँ आपको भी। चलिए मेरे साथ हमारे खेत में, ये रहा हमारा खेत, और आइए आप लोग भी। तो कैसे जाऊँ मैं यहाँ पर से, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आ गए हम खेत में, और ये देखो हमारा झंगोरा भी कितना अच्छा हो रखा है, मस्त हो रखा है ना। तो झंगोरा मुझसे भी बड़ा हो गया है और मैं छोटी हो रखी हूँ, तो देखते हैं, मिलाती हूँ आपको अपने कद्दू जी से। तो वैसे मुझे लग रहा है कि कोई ले गया होगा, पर नहीं ले गया, यहीं पर है, मैंने कल देखा था शाम को। तो ये देखो छोटा सा हो रखा है, ये रहा हमारा कद्दू, ये। तो ले जाते हैं इसको, तो और भी लगे नहीं है अभी, इसको इसमें डाल दो। और इमां बाबा गिर गई मैं, तो देखो कैसे हो गई, बारिश लग गई। अब चलते हैं घर की ओर, तो कद्दू लग ही नहीं रहे, और भाई पता नहीं बेल सूखने पे आ रखी है। तो जाती हूँ मैं घर, बहुत सारा अंधेरा, यानी कि बारिश आने को हो गया है, अंधेरा जैसा हो गया। अब मुझे यहाँ का घास काटना पड़ेगा, ये देखो, क्योंकि यहाँ चूहे लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या फ़ायदा ना हमारे काम का अगर चूहों नहीं खाना है। तो अभी जाती हूँ मैं घर गाइस, तो मिलती हूँ आपको सीधे घर पे जाके। बहुत थकावट लग रही बारिश की वजह से ना, ऐसा हो रहा आजकल कि कसम से क्या ही बोलें। तो गाइस फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे, और अभी अंधेरा भी हो ही चुका है, तो अब क्या है, खाना पीना बनाते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट। डुगू तुम क्या कर रहे हो, कौन सा वाला? ये देखो डुगू की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। तुम क्या पढ़ रहे हो बताना, पूरा बता। ओ आ, ये पेन कहाँ है, पेन ये दिखा दे, ये। हाँ, और कैसे पकड़ते, तूने उल्टी पकड़ रखी, उल्टी पकड़ दो, लिख लिख के बता दे दोस्तों को, लिख के बता दे, बता दे। ये देखो इसने पूरी कैसे बिगाड़ रखी है, ढंग से ये। अच्छा इसको पेन पकड़ना भी नहीं आ रहा, रे पकड़ो ढंग से पकड़ो, कैसे पकड़ते पेन दोस्तों को बता दे, अरे बता दे। मेरा पेन है वो, तो तेरा पेन है तो लिखना। गाइस इतना भयंकर गुस्सा आ रहा ना इसको, इतना है नहीं गुस्सा, देखो तो क्या पढ़ रहा था, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो अब नहीं पढ़ेगा वो, क्योंकि उसके साथ ना दो लोग हो जाएं तो उसका मन नहीं करता पढ़ने का, और जो भी खाना पीना वगैरह होता है उसका अकेले में करता है पढ़ाई। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ।